भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर स्थित वाणिज्य कर सचल दल के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। यह धरना प्रदर्शन संगठन के जिला अध्यक्ष विवेक वालियान के नेतृत्व में किया गया है और इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वाणिज्य कर सचल दल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष विकेश बालियान ने वाणिज्य कर सचल दल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित किसान जब अपनी ज़रूरतों का सामना उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाते हैं तो वाणिज्य कर सचल दल ने किसानों से अवैध उगाही की जाती है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। उसके बारे में हमने कल भी शाम को इनसे वार्ता हुई थी तो उस वार्ता क्रम में हमने उनको बताया है कि उसके लिए तो बिल और होना चाहिए आपके पास, और अगर 50,000 से अधिक की वैल्यू का माल है तो बिल के साथ ईवे बिल भी होना चाहिए टैक्सेबल गुड्स के संदर्भ में। लेकिन जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर वो टैक्स फ्री हैं, उसमें बिल और ईवे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कोई हमारे फिलहाल भी हमारे मामले में हमारे सामने ऐसा कोई संज्ञान में मामला आया नहीं है। अगर ये कोई ऐसा मामला लाते हैं हमारे संज्ञान में तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सामान लेने चले जाओ, पुरकाजी चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, सेल टैक्स का कोई भी अधिकारी पकड़ेगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना उन पर काट ले। हमारा तो आना जाना वहाँ रहेगा जहाँ हमें 2 रुपये सस्ता मिलेगा किसानों को। यहाँ वैट लग कर ज़्यादा वो हो जा, वहाँ से ले आऊँ। अच्छा अपना थोड़ा सामान ला रहे उस पर सरिये पर वो लगा दिए, उन्होंने परेशान कर दिए लोग धर को, इस वजह से हम धरने पर बैठ रहे।